नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, हर समय प्यास लगती है, तो किस तरह से आप जो है घरेलू इलाज से इससे छुटकारा पा सकते हैं। इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, आयुर्वेदिक और घरेलू दोनों उपाय बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपका स्वागत है, और अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, अक्सर जो है प्यास बार बार लगती है, मौसम चाहे कोई भी हो, तो क्या करें? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान उपाय। अगर मौसम आंवले का है तो ज़रूर आंवला खाएं, नहीं तो आंवले का जूस आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। आंवले का जूस लें, इससे जो है आपको, जैसे अगर ये आंवले का जूस आप पीना चालू करते हैं तो जो है, अगर एक छोटा ग्लास जो है आप अगर दिन में 2 बार पीते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको राहत मिल जाएगी। आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी, सिर्फ टाइम टू टाइम लगेगी। जितने रिक्वायरमेंट बॉडी की होती है उतनी आपको जो है प्यास लगेगी। दूसरा उपाय है गिलोय। गिलोय का रस 6 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में दिन में कई बार लेने से प्यास शांत हो जाएगी। प्याज का रस, यहाँ दोस्तों प्याज का रस, प्याज अधिक लगने पर प्याज पुदीना और मिश्री को मिलाकर, यहाँ प्याज लेना है आपको, पुदीना जो मिलता है आपको बाजार में मिल जाएगा वो ले लें। इसके अलावा मिश्री ले लें, मिश्री इसको मिलाकर घोटकर पीने से जो है प्यास में लाभ मिलेगा, प्यास जो है बुझ जाएगी आपकी। पीपल की छाल को जलाकर पानी में डाल दें, जब राख नीचे बैठ जाए तो उस पानी को छानकर पीने से तेजी से प्यास शांत होती है। इसके अलावा पान, जी हाँ दोस्तों पान खाते हैं हम, पान खाने से प्यास कम हो जाती है, तो आप सादा पान खा लें, बिल्कुल सादा पान जिसमें खाली उसमें कोई सुपारी कुछ भी ना हो, सिर्फ हल्का सा चूना और कत्था लगा हो, और सादा पान खा लें। बिल्कुल सादा पान बोलेंगे तो आपको सादा पान दे देंगे। इसको खाने से आपकी प्यास खत्म हो जाएगी, और पान खाने से हजारों फायदे हैं, मैं आपको बाद में बताऊँ किसी और प्रोग्राम में दोस्तों। और पानी पिए, गर्म पानी पिए, पानी में नमक मिलाकर पिए दोस्तों, इससे जो है प्यास जो है ठीक हो जाएगी। प्यास आपके जो है बार बार प्यास लगती है वो जो है बंद हो जाएगी। संतरे का जूस पिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे प्यास समाप्त हो जाएगी। सोंठ, जहाँ दोस्तों सोंठ यानी कि सूखी अदरक, जीरा और सरस नमक, इन सबको बराबर मात्रा में लेकर पीस कर छान कर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को खाने से जो है जो आपकी प्यास जो है शांत हो जाएगी, तो ऐसा करें आप, इससे फ़ायदा होगा आपको। इसके अलावा सोंठ, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, खस, लाल चंदन, सुगंध वाला, इन सबको बराबर मात्रा में लेकर पीने से काढ़ा में थोड़ी थोड़ी देर में पीने से जो है आपको बुखार तथा प्यास दोनों में शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। सौंफ, यहाँ दोस्तों सौंफ, सौंफ को जो है 25 ग्राम सौंफ को 250 मिलीलीटर पानी में भिगो के रखें। 1 घंटे बाद भिगे हुए पानी को छान कर एक एक घुट करके पिए, इससे प्यास मिट जाएगी। आपको एक एक घुट पीना पानी दोस्तों, एक साथ नहीं पीना है, तो ऐसा करें आप, इससे आपको निश्चित लाभ होगा। सोना, गरम सोना चांदी व गर्म ईंट को जिस पानी में बुझाएं, उस पानी को पीने से तेजी से प्यास शांत होती है। गर्म सोना, समझ गए दोस्तों, इन सब का पानी हो कोई भी, गर्म सोने को अगर पानी में डाल दें तो पानी पियेंगे तो भी आपको जो राहत मिलेगी, प्यास बुझ जाएगी। सेब, सेब का रस पीने से जो प्यास कम लगती है, तो दोस्तों अगर आप एक सेब खा लें तो बेहतर रहेगा, सेब का जूस पी लें तो बेहतर रहेगा, इससे प्यास शांत हो जाएगी आपकी। उदम्बर के सूखे पत्तों को लगभग 1 ग्राम 1/4 भाग काढ़ा बनाएं, 5 से 10 ग्राम चीनी मिलाकर दिन में 3 बार खाने से प्यास का बार बार लगना बंद हो जाएगा। दही,
जी हाँ दोस्तों, दही मिलाकर खाएं, वो भी गुड़ के साथ आप खाएं। गुड़ के साथ अगर दही मिलाकर खाने से जो है प्यास आपके जो है धीरे धीरे कम होने लगेगी, बहुत फायदा रहता है दोस्तों। दूध, जी हाँ दोस्तों, दूध, ताज़ा दूध 100 से लेकर 500 मिलीलीटर पाचन क्षमता के अनुसार पिए, तेज़ी से प्यास कम होगी। तो 100 ग्राम से लेकर 500 मिलीलीटर ताज़ा और फ्रेश दूध पीना है दोस्तों। ताज़ा फ्रेश का मतलब ये है कि उसे उबाल कर पीना है, ये नहीं कि सीधे लाए और पी गए। चकोतरा, चकोतरा का रस थोड़ा सा पानी मिलाकर पीने से जलन व प्यास शांत होती है, बुखार भी उतर जाता है। चावल, चावल का काढ़ा लगभग 1 ग्राम का चौथाई भाग दिन में 2 से 3 बार खाने से प्यास शांत होती है। फालसा, फालसा के रस में पानी मिलाकर पीने से प्यास धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तरबूज, तरबूज खाने से प्यास लगना कम होती है। तरबूज के रस में आप जो है मिश्री मिला लें, तरबूज के रस में मिश्री मिला लें और इसको पिए प्रतिदिन सुबह। पीने से जो है आपको जो है बहुत जल्दी आपको जो प्यास जो लगना वो कम हो जाएगी। खास बात दोस्तों, वाटरमेलन यानी कि तरबूज ऐसे ही बहुत लाभकारी है। अगर सुबह उठ के आप तरबूज खाते हैं, अपने हिसाब से खा लें, और जो एक बार तरबूज एक पूरा काट लें तो पूरा के पूरा ख़त्म कर लें, पूरी फैमिली के साथ बैठ जाए, सब ख़त्म कर दें, उसे बचा के ना रखें दोबारा। और तरबूज को किस तरह से खाना है इसका भी एक प्रोग्राम बनाया है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, मेरे प्रोग्राम में मिल जाएगा। तरबूज कैसे खाएं, तरबूज कैसे पसंद करें, तो उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो तरबूज खाने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि जब भी खाना हो उससे 1 घंटा पहले ही तरबूज को जो है फ्रिज में रखें और फिर निकालें, और उसके बाद जब एक बार काट दें तो उसको पूरा ख़त्म कर दें। ये नहीं कि आधा कटा हुआ फिर फ्रिज में रख दिए, नहीं दोस्तों, उससे जो है आपके उसके विटामिन बिल्कुल कम हो जाएंगे, प्रोटीन कम हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जो है तरबूज जो लें एक ही बार में ख़त्म कर दें। तुलसी के पत्ते वरदान है दोस्तों, तुलसी का पत्ता ऐसे ही खा लें कई बीमारियाँ ऐसी समाप्त हैं। तुलसी के 25 पत्ते पीसकर 1 गिलास पानी में घोल लें, इसे स्वाद अनुसार मिश्री, नींबू का रस निचोड़ें और फिर इसे पिए, इससे जो है प्यास धीरे धीरे कम लगेगी। तो आप इसको अपने हिसाब से पी सकते हैं शरबत बनाकर। तो आप या तो फिर आप तुलसी के पत्तों को पीसकर 1 गिलास पानी में मिलाकर इसमें नींबू निचोड़ें और ऐसे भी पी जाए, मिश्री नहीं है तो शक्कर डाल लें, तो शरबत बना के पी जाए दोस्तों। जायफल, जायफल हम सभी जानते हैं, किसी प्रकार के रोग में प्यास अधिक लगने पर जायफल का टुकड़ा मुंह में रखें, बहुत फायदा होगा। जायफल ले आए दोस्तों, जायफल का एक टुकड़ा मुंह में रख लें, बहुत ही फायदा है, जायफल बहुत फायदेमंद है। किशमिश, 10 ग्राम किशमिश 500 मिलीलीटर गाय के दूध में पकाकर, गाय के दूध में अच्छे से पका लें, रात के समय रोजाना सेवन करने से जलन शांत होती है और प्यास धीरे धीरे समाप्त होती है। किशमिश 80 ग्राम, गिलोय का बारीक चूर्ण, जीरा 10-10 ग्राम तथा चीनी 10 ग्राम, इन सभी के मिश्रण को चिकने गर्म बर्तन में भरकर उसमें इतना ही गाय का घी मिला के मिश्रण को अच्छी तरह से भीग जाए, इसके नित्य प्रतिदिन प्रति जो है 6 से लेकर 20 ग्राम तक सेवन करने से 2 सप्ताह में चेचक और विस्फोटक रोग होने के बाद दो दाह शरीर में हो जाता है वो शांत हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो चेचक होने के बाद जो शरीर में जो आग हो जाती है और उसको कैसे शांत करें, तो उस शांत के लिए दवाई है मुलैठी। मुलैठी में जहाँ दोस्तों, मुलैठी में अगर शहद मिलाकर सूंघने से तेज़ी से प्यास जो है वो समाप्त हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में इसको सूंघते रहें। बिही दाना 3 ग्राम को 200 मिलीलीटर पानी में 1 घंटा भिगो दें, 1 घंटे बाद बिही दाना को उसी पानी में मसल कर छान लें। इस पानी में खांड मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम पिए, इसे बार बार गले का सूखना बंद हो जाता है। सिरका, ठंडे पानी में सिरका मिलाकर पीने के बाद प्यास मिट जाती है। जामुन, जामुन का मीठा खाने से, जी हाँ दोस्तों, जामुन फ्रेश जामुन जो है होता है उसका गुद्दा खाने से या रस पीने से जो है प्यास समाप्त हो जाती है। जामुन के पत्तों का रस लगभग 1 ग्राम का चौथाई भाग रोगी को पिलाए, प्यास का अधिक लगना बंद हो जाएगा। जामुन के पत्ते बहुत फायदेमंद होते हैं दोस्तों।
जौ, 1 कप जौ को बारीक पीसकर 2 गिलास पानी में 8 घंटे तक भिगो कर रख दें। 8 घंटे बाद इसे आग पर उबालकर इसके पानी को छानकर गर्म गर्म पानी से गरारा करें, तेजी से प्यास मिट जाएगी। नमक, नमक खाने से ग्रंथि का रस सूख जाता है और प्यास लगने लगती है, इसलिए नमक का सेवन कम मात्रा में करना, आपको कम नमक खाना है। नींबू, जी हाँ, नींबू के शरबत पीने से जो है, नींबू का आप शरबत पी लीजिए, ऐसी अपने आप प्यास जो धीरे धीरे जो है जो कम हो जाएगी, ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। नींबू तो बहुत ही फायदेमंद है। नीम के पत्तों को मिट्टी में मिलाकर गोला बनाकर आग में जला दे। लाल होने पर एक बर्तन में पानी भरकर पानी में गोले को बुझाकर उस पानी को पीने से तेजी से प्यास शांत होती है। नारियल पानी, नारियल का पानी पीने से बहुत जल्दी आपके जो है प्यास शांत होगी। नारियल की जड़ को जलाकर गर्म पानी में डालकर ठंडे हो जाने पर छान के ज्वर में प्यास लगना दूर हो जाता है, इसे दे। नारंगी यानी कि जो है, नारंगी यानी कि संतरा, इसे खाएं, इससे जो है आपका जो है ज़्यादा प्यास लगना वो समाप्त हो जाएगा। अंजीर, अंजीर खाने से भी आपके जो है, अंजीर के सेवन से जो है प्यास जो बार बार लगती है वो समाप्त हो जाएगी, तो रोजाना अंजीर खाएं, इससे भी समाप्त हो जाएगी। अमरूद, अमरूद, लीची, शहतूत, खीरा खाने से प्यास अधिक लगना बंद हो जाता है। आंवला बहुत ही फायदेमंद है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आंवले का जूस पी लें, बहुत फायदेमंद होगा, बहुत फायदेमंद रहता है आंवला। आंवला ऐसे ही खा ले तो फायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी है वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।